कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। लोहा बाजार के बारे में बात करते हैं खास तौर से बिलेट के बारे में। तो बाजारों में 50,500 तक का लेवल जो बिलेट में जा चुका था, वहां से थोड़ा बहुत सुधार आज की कीमतों में देखा गया है, क्योंकि इंगट में बाजारों में लगातार आती गिरावट पर आज के दिन विराम लगा है। और सुधार आने के बाद बिलेट में किस तरह कीमतें बाजारों में चल रही है, इस बारे में हम लोग आगे खबरों में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। जानेंगे मंडी गोविंदगढ़ समेत कुछ अन्य मंडियों में बिलेट की आज की कीमतों के बारे में, मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बिलेट की सबसे पहले कीमतों के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है, 200 से लेकर 300 रुपए तक की बढ़त के आने के बाद बिलेट का रेट मंडी गोविंदगढ़ में 50,700 रुपए है। दुर्गापुर की कीमतें आज 47,500 रुपए देख कर चल सकते हैं। राउरकेला में बिलेट का आज का रेट 47,300 रुपए बाजारों में चल रहा है। रायगढ़ की कीमतें 47,300 रुपए देखी जा रही है। रायपुर में बिलेट का आज का रेट 47,800 रुपए है। कोलकाता की मंडियों में 48,200 रुपए पर बिलेट में कारोबार देखा जा रहा है। जयपुर में बिलेट का रेट 49,500 रुपए चल रहा है। मुजफ्फरनगर की कीमतें आप 49,000 रुपए देकर चल सकते हैं। मुंबई में मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। मुंबई में आज का बिलेट का रेट जो चल रहा है वो 50,100 रुपए है। गाजियाबाद की कीमतें 49,200 रुपए चल रही हैं। लुधियाना में बिलेट का रेट 50,400 रुपए है। हैदराबाद की कीमतें आप 48,500 रुपए देखकर चल सकते हैं। और भिवाड़ी के बारे में अगर बात करी जाए तो मंडियों में बिलेट का रेट 50,100 रुपए देखा जा रहा है। तो बाजारों में बढ़त आज देखी गई है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी बंदी नहीं देखी जा रही है। इंगट के बारे में अगर बात करते हैं, 50,500 रुपए पर इंगट का लेवल आप देख सकते हैं। 100 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, और 38,800 रुपए पर स्क्रैप का लेवल मंडी गोविंदगढ़ में देखा जा रहा है। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करी जाए तो बाजारों का ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। बाजारों में आपको आने वाले समय में अगर अच्छी रिक्वायरमेंट रहती है लोहा की बाजारों में, तो आपको बाजारों में और भी तेजी यहां से देखने को मिल सकती है। बहुत ही लंबी चौड़ी आप तेजी नहीं देख पाएंगे, थोड़ा बहुत सुधार बाजारों में आने की उम्मीद फिलहाल के लिए लगाई जा रही है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबर आपके लिए यूजफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।